मेरे भाइयों, इस वीडियो को बिल्कुल धैर्य के साथ देखिएगा, अच्छे से समझना, क्योंकि मेरे बहुत सारे युवा भाई ऐसे हैं जिनके अंदर धैर्य सब्र बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें रिजल्ट तुरंत चाहिए। अब ऐसे में अगर आप ब्रह्मचर्य की तपस्या कर रहे हो तो आपके अंदर सब्र और धैर्य होना रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो बहुत से ऐसे भाई हैं जिनको नियम फॉलो नहीं करने हैं ब्रह्मचर्य में, लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूं, जो प्राणायाम आपको बता रहा हूं, हालांकि बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, लेकिन एक युवा की नजर से इसको समझने की कोशिश करें, और काफी आसान है और आपको अपनी दिनचर्या में इसको जोड़ना ही होगा। क्योंकि देखो मेरे भाई, प्राणायाम योग जो होते हैं ये बहुत जरूरी है, खासकर ब्रह्मचर्य में। ये मदद करते हैं आपको सारी उस जो मानसिक बीमारियों में आप घिरे रहते हो ना, ज्यादा सोचने की जो आपकी बीमारी होती है, आप बेवजह गंदे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होते हैं, तो ये सब को हम कैसे हटा सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए ध्यान करना बेहद जरूरी है, और आज जो मैं बता रहा हूं खासकर प्राणायाम, तो इसको आपको करना ही है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखें। अगर आप इसको नहीं करते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, देखिए प्राणायाम में यानी सारा खेल हमारे सांसों का होता है। अगर देखा जाए तो ध्यान, योग, प्राणायाम, हम चाहे जो भी करें, सांस की जो भूमिका है बहुत अहम है। अब सांस को हमारे बहुत से युवा भाई जैसे ले रहे हैं, आप सोचते हैं कि नॉर्मल क्रिया है सांस लेना, सांस लेने में कौन सी बड़ी भारी बात हो गई, सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, ले रहे हो छोड़ रहे हो, सांस पे ध्यान ही नहीं है। लेकिन हमारे जीवन का सार तो यही है, अगर इस सांस को बंद कर दें अभी तो सारी मोह माया धरी की धरी रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, सीधे प्राण छूट जाएंगे और ऊपर चले जाओगे। मेरी बात को समझ रहे हो? तो सबसे ज्यादा जो इस समय आपके पास सबसे महंगी जो चीज है वो ये सांस है, ये समझ लो आप, और इसी पर फोकस करके, एकाग्रता करके आप जो है मानसिक बीमारियों का समाधान ढूंढ सकते हो, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो, यहां तक कि आपके शरीर में भी आश्चर्यजनक जो है बदलाव होते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, खासकर मानसिक स्थितियां, ब्रह्मचर्य में शरीर से ज्यादा मन का खेल होता है, मन अगर नियंत्रण में आ जाए तो ब्रह्मचर्य आसान हो जाता है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब ध्यान से देखिएगा, देखिए सबसे पहले तो नॉर्मल आपको बैठ जाना है, ठीक, नॉर्मल तरीके से आप बैठ जाएंगे। हालांकि आपको कैमरे में बराबर दिख नहीं रहा होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा सा जो है मैं कैमरा एडजस्ट नहीं कर पाया इस मामले में। तो जो है आपको पालकी मारकर बैठ जाना है, जैसे नॉर्मली हम पालकी मारकर बैठते हैं, सुखासन होता है, पद्मासन, बहुत सारे आसन होते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप नॉर्मली जैसे हम जो धरती पर जो है पालकी मारकर बैठते हैं ऐसे ही आप बैठ जाए, ठीक है, इसी तरह आप बैठ जाइए। उसके बाद जो हमारे कंधे हैं, ये हमारा जो शरीर जो है बिल्कुल सीधा स्थिर रखना है, ना मुंडी ज्यादा ऊपर ना नीचे, बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल सीधा, ठीक। इसके बाद थोड़ी देर तक अच्छी जो है सांस भरी अपने अंदर, सांस छोड़िए, 3 से 4, 5 बार आप इसको ऐसा कीजिए सबसे पहले। तो इसके बाद जैसे कि मैंने आपको अनुलोम विलोम में बताया था, ठीक है, तो वो वीडियो जो अनुलोम विलोम का वीडियो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वो भी आप जरूर करें। हालांकि आज हम प्राणायाम पे बात कर रहे हैं तो उसको जरा ध्यान से देखें। देखिए ऐसा करने के बाद आपको जो है ज्ञान मुद्रा बना लेनी है, देखिए ज्ञान मुद्रा, ठीक है। खासकर हम एक हाथ की जो है इसमें मदद लेते हैं, तो जो दूसरा हाथ है उल्टे हाथ, जो हमारा उल्टे तरफ का हाथ है, इसका आप ज्ञान मुद्रा बना लेंगे और इस तरीके से रख लेंगे अपनी यहां पर, ठीक। अब ये जो हाथ है इसको जरा ध्यान से गौर से देखिएगा, इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ज्ञान मुद्रा में ही जाना है, बस ये जो फिंगर है इसको ऐसे इस तरीके से ये अंगूठे से इसको दबाना है, ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके का। अब ये इस तरीके की जो मुद्रा हो गई, बस इससे आपको सांसों का जो है एक प्रकार का खेल आरंभ करना होगा, ठीक है। देखिए एक पूरी एकाग्रता के साथ, मन में विचार आ रहे हैं आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस एकाग्रता के साथ अपने सांसों पर ध्यान देंगे, ठीक। देखिए सबसे पहले हमें ये जो सीधे नाक की तरफ की जो है, सीधा नाक जो है सीधे तरफ की, इसको ऐसे बंद कर लेना है, अब ध्यान से देखें बिल्कुल, ठीक। अब इस तरफ से हमें सांस लेंगे,
आपने देखा सांस भरी सांस छोड़ी। अब पांच बार इधर से करना है हमें, बिल्कुल इसी जो क्रिया है इसी को दोहराना है, ठीक है, पांच बार करेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, आपको आराम से करना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको करना है, पांच बार इधर से करेंगे, पांच बार इधर से करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे यहां से मैंने अंगूठे से अपनी जो राइट तरफ की नोज को दबाया हुआ था, अब इनसे इन दो उंगलियों से आपको इधर दबाना है, ऐसे कर लेना है, ठीक है। ये हो यहां से इस तरीके से, अब इधर से शुरू हो जाना है पांच बार। तो इधर से पांच बार करें, इधर से पांच बार करें। मैंने जल्दी जल्दी में बताया है, लेकिन इसको बहुत ही आराम से और एकाग्रता के साथ करना है। आपको महसूस करना है कि जो मैं सांस ले रहा हूं वो मेरी नाभि केंद्र तक जा रही है। हम लोगों ज्यादातर हम लोग जो सांस लेते हैं जल्दबाजी में सिर्फ छाती तक बस, तो ये यहां तक नहीं। जितनी कम सांसें, जितनी जल्दी जल्दी तुम सांसें लोगे ना, उतनी कम उम्र होगी। एक जो पशु कुत्ता होता है ना, कुत्ता, वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, आपने देखा होगा, बहुत जल्दी जल्दी जीभ बाहर निकाल के सांस लेता है, तो उसकी आयु भी बहुत कम होती है। तो प्राणायाम में जो है आपको सांसों का तो ध्यान रखनी है, साथ में अपनी जीवन शैली में भी सांसों को लंबा लीजिए, नाभि केंद्र तक, छाती तक नहीं, नाभि तक लेना है। मेरे भाई ब्रह्मचर्य में योग प्राणायाम ध्यान बेहद जरूरी है, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को बताइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, पौर्ण पर जो है अब हम वीडियो लेकर आने वाले हैं, किस तरीके से आप पौर्ण की लत से छूट सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य परम बलम, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।